बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम से आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टाइम पता नहीं क्या हो चुका है तो मैं नमाज फजर अदा करने के लिए जा रहा हूँ। नमाज फजर अदा करके तो अभी मैं बाहर को आया हूँ। बाहर इतनी ज़्यादा धुंध है ना, आपको दिखाता हूँ भाई क्या हाल है इधर। तो सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है, ये देखे भाई कितनी ज़्यादा सर्दी है और धुंध तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। हमें कोई उठा के भी ले जाए ना तो किसी को कोई पता नहीं लगना कि उठा के ले गए हैं। अभी मैं आपको गोभी के खेत में लेके आया हूँ। अभी आपको गोभी दिखाता हूँ ये किस तरह की होती है। तो ये अभी छोटा छोटा इसका पौधा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो फूल के तो फिर इसमें इतना अच्छा वो क्या होते हैं गोभी का फूल निकलेगा। चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गांव की खूबसूरती है, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप वो गोभी वाले गांव से आए हैं, तो हम कहते हैं हाँ वो गोभी वाले गाँव से आए हैं। तो अभी आपको ये छोटी है तो आगे बड़ी दिखाते हैं जाके। इधर पीछे मैंने आपको छोटी गोभी बताई थी ना, आए चलते हैं आगे आपको जो असल गोभी होगी हुई है वो दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गोभी जब भी इसको दातरी से काटते हैं तो आगे से ये जो पत्थर होते हैं ये जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो फिर इसको सुबह सुबह मंडी लेके जाते हैं और ये जो नफ़ा होता है उससे अपनी किसान जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरा करता है। अभी हम चल के पैदल थोड़ी से ज़्यादा दूरी चले गए हैं गाँव से, तो हाथ हमारे सूज गए हुए हैं सर्दी से। सर्दी बहुत ज़्यादा है इधर, तो धूप भी ऊपर से बहुत ज़्यादा है। तो हमारी हिम्मत है कि हम अभी तक भी चल रहे हैं। मेरे ना पैर मिट्टी मिट्टी हो गई जान तेड़िया ने भी यार, सर्दी से तो हाथ ही मेरा सूज गया है। तो अभी आपको मैं जिस खेत में लेके आया हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ क्या है। इस खेत में ना धनिया है, धनिया ये धनिया। अभी हम वापस आ चुके हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो भाई चला नहीं जा रहा, तो वापस आ गए हैं। अब बस गाँव को जाएंगे और चाय परोंठा खाएंगे। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। मैं घर पहुंच चुका हूं तो अभी आग लगाएंगे क्योंकि मेरे हाथ सूज गए हैं, तो आग लगा के सेकेंगे। तो अभी है बादन भाई, इधर भी नहीं है, इधर है ऊपर। बालन लेके मेरे तो हाथ ही सूज गए हुए हैं। बालन लेके तो अभी आग जलाएंगे तो फिर आराम से सेकेंगे और फिर साथ चाय परांठा खाएंगे। अरे भाई आई हाय हाय, तो इतना ही बहुत है फिलहाल। तो इधर आओ, ये भी हमारी प्यारी लाडो आ गया चाची की बेटी। ना इधर इधर को ना करना, मैं भाई गया हुआ था ना इसलिए मेरे बूट बढ़ गए हैं। खेतों में गया हुआ था ना इसलिए।
अभी गैस भी खत्म हो गई हुई थी तो भाई गैस बनवाने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं उठ के छत पे आया हूँ, तो इसी के साथ मैं बुबली को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।